अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो आपका होना चाहिए 100 to 101 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंटरवल के बीच में। ओके ठीक है, हमें इंटरवल मिल जाता है। देन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है गैस का 200 केल्विन है, और उसका जो मोलिकुलर मास है ऑक्सीजन के लिए वो आपका 32 U होता है। ओके हमें कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, के बी जो है वो आपका इतना होता है, एन ए जो एवोगैड्रो नंबर है वो हमारा 6 × 10²³ पर मोल होता है। हमने देखा था कि जो डी एन डिवाइडेड बाई एन है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, और इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 4π, और एन तो डिवाइड कर दिया इंटू ए क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू पुट करते हैं एम डिवाइडेड बाई 2π kBT, इसका पावर 3/2 आ गया था। एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल -BV² इट मीन्स MV² डिवाइडेड बाई 2 kBT हो गया, देन dV। ओके ये हमारे पास आता था। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो dV जो है हमारा इंटरवल था। अब यहाँ से देखिए इंटरवल कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 1 मीटर पर सेकंड का। dV के वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर V हम लेना चाहें, V आप 100 ले सकते हो कन्वीनियंस के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटर पर सेकंड। ओके और अगर आप एवरेज लेके करना चाहते हो कि दोनों का एवरेज होगा, देन आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो डिवाइडेड बाई 2। वो आप पे है कि बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सोल्व करने के लिए, हम 100 ही प्रेफर करते हैं एक तरीके से, कि आप यही वैल्यू एक बार अगर पुट करोगे तो इजी रहता है। नेक्स्ट एम, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है एम का वैल्यू फाइंड आउट करना। के बी एक कॉन्स्टेंट है, वैल्यू दिया गया, टी हमें दिया हुआ है, और कौन कौन से क्वान्टिटी है सब हमको दिया हुआ है, सिर्फ एम का वैल्यू कंसिडर करना है। बट यहाँ पे हमें मोलिकुलर मास दिया हुआ है। हमने देखा था कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या डिफरेंस होता है कि जो मोलिकुलर मास, इट मीन्स एक गैस का अगर 1 मोल है देन उसके अंदर कितना मास होगा। ओके हमने देखा था कि 1 मोल जो है उसके अंदर कितना मास है, टोटल मास ऑफ गैस। ओके वो जो है वो आपका मोलिकुलर मास होता है कैपिटल एम। अब यहां से देखिए स्मॉल एम जो है वो होता है आपका 1 मोलिक्यूल का। ओके स्मॉल एम जो है वो 1 मोलिक्यूल का होता है। हाँ, इस 1 मोल के अंदर एन ए मोलिक्यूल होते हैं, इट मीन्स 1 मोल के अंदर कितना होते हैं एन ए जो कि एवोगैड्रो नंबर है, इंटू स्मॉल एम करेंगे देन वो अपना कैपिटल एम की इक्वल आता है। यहाँ से स्मॉल एम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन ए, एन ए का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल एम निकल जाता है। सारी क्वांटिटीज हमारे पास दी हुई है। ओके और हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक तरीके से इजी सा न्यूमेरिकल है। यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहो, अगर क्रॉस चेक करना चाहो वैल्यू कि जो डी एन डिवाइडेड बाई एन है जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आता है, वो आता है 4.47 × 10²⁸। ओके अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या टर्म आता है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है हमेशा, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए हमेशा। अगर आपका सपोज कि यहाँ पर कई बार क्या प्रॉब्लम कर देते हैं हम कि यहाँ पर हो सकता है आपका +8 आ जाए, है कि नहीं, क्योंकि हम मिस्टेक कर देते हैं कई बार। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। एक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आप लेस देन 1 वैल्यू आ रही है देन आपका आंसर हो सकता है करेक्ट हो, अगर आपने कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं किया तो। ओके इस तरीके से प्रॉब्लम कंप्लीट हो। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है कि मैक्सवेलियन गैस के लिए हमें ये रिलेशन प्रूव करना है कि आप एवरेज वेलोसिटी का निकालते हो इंटू 1 / V का, अगर एवरेज निकालते हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो देन आपको मिलता है 4 / π। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी एवरेज हमें पता होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 8π
अंडर रूट 8 के बी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एवरेज जो है वो इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 8 के बी टी डिवाइडेड बाय पाई एम। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज 1 डिवाइडेड बाय वी। सो 1 डिवाइडेड बाय वी का जो एवरेज है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर हम 1 डिवाइडेड बाय वी यहाँ करते हैं इनटू में डी एन, ओके, इसका इंटीग्रल करते हैं 0 टू इन्फिनिटी रेंज में, देन जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपका एवरेज होगा। और डी एन हमें पता है डी एन इज इक्वल टू कितना होता है, डी एन इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर इंटू डी वी। ओके, और यहाँ पर वी स्क्वायर भी आता है, वी स्क्वायर डी वी। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डी एन की, देन हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है 4 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ से वी स्क्वायर था, यहाँ पर 1 अपॉन वी है, तो वी स्क्वायर आपका एक यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और माइनस बी वी स्क्वायर इंटू डी वी। यहाँ से आप क्या लेते हो, एक्स इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर, ओके, और डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आता है 2 वी डी वी इंटू बी। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो वी डी वी है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 वी। सो यहाँ से जो इंटीग्रल है ये हमारा किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 बी, इंटीग्रल करना पड़ेगा अपना 0 टू इन्फिनिटी, ओके, यहाँ पर v टू द पावर x, v को x से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, डी एक्स, ओके, सो डी एक्स एक्स आ नहीं रहा, इट मीन्स x टू द पावर 0 और एक्सपोनेंशियल माइनस x, ओके, वैसे आप डायरेक्टली इस इंटीग्रल को भी सॉल्व कर सकते हो वैसे, ओके, लेकिन ये आपका गामा फंक्शन से भी कर सकते हो, ये आप 1-1 कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1 डिवाइडेड बाई 2 बी गामा 1, गामा 1 0 फैक्टोरियल जिसका वैल्यू आपका 1 होता है, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 बी। सो यहाँ से अगर हम चेक करें देन हमारे पास क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई वी का जो बार है वो इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई, ओके, ए क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 बी आ जाता है, ओके, अब आप a और b की वैल्यू पुट करोगे देन हमें क्या मिलता है 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे देन यहाँ पर 2, सो ये हो जाता है 2 पाई, ओके, ए क्यूब लिखते हो देन m डिवाइडेड बाई 2 पाई के बी टी, ओके, 2 पाई के बी टी इसका पावर कितना हो जाता है 3 बाई 2 बिकॉज क्यूब है, ओके, और डिवाइडेड बाई b करना है, ओके, देन यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 के बी टी डिवाइडेड बाई एम टू द पावर 1 ही आती है, ओके, अब देखते हैं 2 इंटू 2, ओके, आप इसको कुछ इस तरीके से किए कीजिए कि यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 2 2 4, और यहाँ से देखिए यहाँ से बाहर निकालूंगा देन मेरे क्या निकलेगा, 2 को अगर मैं सेपरेट करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर एक 2 से 2 कैंसिल हो सकता है बट अंडर रूट 2 मेरा नीचे रह जाता है, पाए है यहाँ पाए 3 बाई 2, यहाँ पर पावर 3 बाई 2 है, ओके, अगर इसको इसको कैंसिल करता हूँ देन मेरे पास अंडर रूट पाए यहाँ पर रह जाता है, ओके, आगे देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर m टू द पावर 3 बाई 2 है, इट मीन्स ये टर्म पूरा कैंसिल करता हूँ इसके साथ देन यहाँ पर मेरे को मिलता है 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, सो यहाँ पर एल ओवर जो वैल्यू है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो अंडर रूट 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ देन अंडर रूट 2 मेरा यहाँ पर रह जाता है, इट मीन्स एल ओवर जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी मिलती है, देखिए 2m डिवाइडेड बाई
पाए के बी टी, इसका अंडर रूट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ओके, अब अगर इस टर्म को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इट मीन्स वन डिवाइडेड बाई वी का एवरेज इंटू आपका वी का एवरेज, वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 8 के बी टी डिवाइडेड बाई पाई एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई पाई के बी टी। यहाँ से चेक कीजिए, पाए पाए अंडर रूट से बाहर आ जाता है, m से m आपका कैंसिल, ओके, के बी टी से के बी टी कैंसिल, और 8 टू जै 16, 16 अंडर रूट से बाहर आता है तो 4, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई पाई बाहर आ जाता है तो अंडर रूट पाई, 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई। सो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है कि हमें एवरेज एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, और जो आपकी पीक वैल्यू होती है वेलोसिटी के, इट मीन्स जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन जो गैस है उसके लिए टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, और ऑक्सीजन का जो मास है वो 5.31 × 10⁻²⁶ kg दिया गया है, और के बी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। ओके, सो हमें पता है कि जो एवरेज एनर्जी है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपका कितना हो जाता है, 2.55 kBT डिवाइडेड बाई एम। ओके, वी आर एम एस के लिए क्या होता है, अंडर रूट 3 kBT डिवाइडेड बाई एम। वी पी के लिए क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 kBT डिवाइडेड बाई एम। ये हमने डिराइव किए थे तीनों वेलोसिटीज की वैल्यू। ओके, सो डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है, के बी टी एम सभी वैल्यू अपने को दी हुई है। ओके, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो कि कैलकुलेशन वगैरह में, देन आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप एक एक्स क्वांटिटी है अंडर रूट के बी टी, उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए के बी टी डिवाइडेड बाई एम, और जस्ट आप अंडर रूट 2 point, इट मीन्स वी बार है वो इज इक्वल टू अंडर रूट 2.55 × x आ जाता है। ओके, और वी आर एम एस है वो इज इक्वल टू आपका अंडर रूट 3 × x आ जाता है, वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × x आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा और डायरेक्टली आप तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके, और आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो, देन आपकी एवरेज वैल्यू की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है 4.46 मीटर पर सेकेंड, आर एम एस की 4.84 मीटर पर सेकेंड, और वी जो अपनी मोस्ट प्रोबेबल है उसकी वैल्यू होती है 3.95 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन इट मीन्स कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे फेवर में डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल, ये हमारा फ्रैक्शन हो चाहता है कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ही आपने को फाइंड आउट करनी है एक तरीके से। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस विद इन 1% ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट STP, ओके, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, STP हो जाता है, विल इट्स वैल्यू बी सेम फॉर ऑल गैसेज एट एल द टेम्परेचर। ओके, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी टेम्परेचर रेंज के लिए और अलग अलग गैसेज के लिए क्या ये वैल्यू आपकी सेम होगी। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो है कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करने मॉलिक्यूल्स के कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे, बट ये बोल रहा है कि विद इन 1% ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1% के अंदर अंदर होना चाहिए। इट मीन्स हमने कर्व चेक किया था क्या कि कुछ इस तरीके से कर्व आता है, सॉरी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है, थोड़ा थोड़ा स्लो डिक्रीज करता है कुछ इस तरीके से। सो ये जो वैल्यू आया था ये हमारा VP था। ओके, 1%, इट मीन्स कि VP का जो वैल्यू है उसके 1%, इट मीन्स VP का 1% करूंगा देन कितना करना पड़ेगा, 1/100, इतना जो अमाउंट है वो आपका पीछे भी और आगे भी, ओके, 1% की रेंज इसको बोलते हैं। सो यहाँ से 1% की रेंज कितनी हो जाती है,
यहाँ से अगर चेक करूँगा देन 0.01 वीपी। ओके, इतना मुझे ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन सबसे पहले वैल्यू कितनी हो जाती है 0.99 वीपी। ओके, टू वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेंज आपकी कितनी हो जाती है, ये रेंज मिलेगी हमें यहाँ पर 1.01 वीपी। सो ये हमारे रेंज आ जाती है। सो ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर हो जाती है 0.99 वीपी, ये जो वैल्यू है ये यहाँ हो जाती है 1.01 वीपी। सो ये जो इंटरवल है ये कितना हो गया, इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट करोगे देन जो डेल्टा वी है वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाता है 0.02 वीपी। ये तो डिफरेंस आ गया हमारा। ओके, हमें वेलोसिटी डिफरेंस पता लग गया। मेनली हमें प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करना है एक तरीके से, जहाँ पर डेल्टा वी हमें दिया हुआ है। ओके, और वी इज इक्वल टू वीपी हो जाता है, बिकॉज इन दोनों का एवरेज करेंगे देन ये वीपी वेलोसिटी आती है, तो एवरेज लेके चलेंगे हम। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो कितना आता है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी है डी एन डिवाइडेड बाई एन, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाती है 4 पाई। ओके, ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स एम डिवाइडेड बाई 2 पाई KBT^3/2। ओके, और यहाँ पर वी स्क्वायर आता है और एक्सपोनेंशियल आपका माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 KBT, ओके, वी स्क्वायर इंटू डी वी। ये हमें पता है फॉर्मूले से। ओके, अब हमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। हमें सिर्फ दिया गया है कि V इज इक्वल टू वी पी है। अब इस वाली टर्म को क्या हम वी पी की टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज वी पी हमें पता है कि वी पी इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2 KBT/m। इस टर्म से देखिए डी एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 4 पाए, यहाँ से 2 पाए, पाए को बाहर निकालिए, सो पाए टू द पावर कितना रह गया 3/2। अब 3/2 यहाँ है, पाए 3/2 और पाए ऊपर है, इट मीन्स पाए नीचे आप कैंसिल करते हो पाई से, यहाँ से पाई, देन अंडर रूट पाई नीचे रह जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 2 KBT/m ये हो जाता है, बट अंडर रूट ने होके इसका 3/2 है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं वन डिवाइडेड बाई वी पी क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वी स्क्वायर आ जाता है। एक्सपोनेंशियल यहाँ पर देखिए 2 KBT/m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी पी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ इंटू डी वी। अब सेम कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, चेक करना है कि क्या होता है। ओके, सो यहाँ से चेक कीजिए वी पी इज इक्वल टू पी, ये कंडीशन लगाएंगे देन यहाँ से देखिए एक यहाँ से ये टर्म, ये आपका क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से एक बार नई टर्म में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू लाइन में लिखते हैं। ओके, यहाँ से 1/VP रह जाता है, देन 4/√π और v और एक्सपोनेंशियल ये माइनस वन अंदर वैल्यू हो जाती है। ओके, देन देखिए क्या वैल्यू रह जाता है हमारे पास। अब डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.02 वीपी। अब वीपी यहाँ भी आ रहा है, देन ये वीपी आपका इस वीपी से कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो वीपी तो कैंसिल आउट ही हो गया टोटली, इट मीन्स हमारे पास वैल्यू कितना बचा 4/√π। ओके, और इंटू 0.02 और डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 1। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आती है और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है 0.0166। ओके, अगर इसको हम परसेंटेज में अगर चेंज करें देन हमारे पास कितना परसेंटेज मिलता है 1.66%। ओके, कि इतना हमारा प्रोबेबिलिटी आता है 0.0166 परसेंटेज में अगर चेक करेंगे इतने, इट मींस 1.66% पार्टिकल आपके इस रेंज में लाई करेंगे, जो कि बहुत कम
बहुत छोटा नंबर है एक तरीके से, 1.66% टोटल पार्टिकल्स का इस रेंज में होगा। ओके, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट वेरिएशन, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस टर्म की, वो हमें देखनी है कि हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, बट ये बोल रहा है कि विलिट्स वैल्यू बी सेम फॉर ऑल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर्स। सो यहाँ पर हमने ना तो अभी तक एम का वैल्यू पुट किया, ना अभी तक टेम्परेचर का वैल्यू पुट किया। इट मीन्स ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ही निकल के आती है जो 0.0166 है। ओके, इट मीन्स कि ये आपका इंडिपेंडेंट है मास से और टेम्परेचर से। इट मीन्स कि आपकी कोई भी गैस हो किसी भी टेम्परेचर पर हो, बट इस रेंज में जो कि आपका 1% होगा वीपी का, इस रेंज में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रह रहे हैं हमेशा उतने ही रहेंगे इस रेंज में। ये एक यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि इस रेंज में जितने भी आपके पार्टिकल्स थे हर टेम्परेचर वैल्यू पे और हर किसी भी गैस के लिए, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो पार्टिकल फ्रैक्शन है वो आपका सेम ही रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ओके, सो यहाँ से हमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। सो इस तरीके से हमने एक जो क्वेश्चन था हमने कंप्लीटली एक तरीके से सोल्व कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसके लिए जो आपका रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो आपका अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है फ्रॉम अर्थ। ओके, उस केस में क्या टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, हमें अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। ओके, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, और हमें दोनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपकी एस्केप की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल हो जाएगी। ओके, इट मींस अगर आप नॉर्मली चेक करो देन जो वेलोसिटी है हमारी या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kVt होती है। ओके, ये जो वैल्यू है ये आपकी हमें पता है 1/2 mVrms² इसके इक्वल होती है। ओके, और यहाँ से हमें दिया गया है कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है Vrms है वो इज इक्वल टू वी एस्केप हो जाता है, और वी एस्केप का जो वैल्यू है वो होता है आपका √2gr node। ओके, जी आपका जो ग्रेविटेशनल जो आपका वैल्यू होता है एक्सेलरेशन के लिए, 10 ले सकते हो या 9.8 m/s² ले सकते हो। ओके, सो यहाँ से हमें V का वैल्यू मिल जाता है। अगर इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं देन हमें क्या मिलता है, 3/2 kVt इज इक्वल टू 1/2 mVr, इसका स्क्वायर करते हैं देन मेरे को क्या मिलेगा, mg r node, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2/3। ओके, mg r node/kb। सो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है टेम्परेचर की वो मिल जाती है। ओके, अब यहाँ से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो m का वैल्यू है वो हमें पता है 2/NA होता है। अब क्वेश्चन आता है कि NA से ये जो है ये वैल्यू किस में आएगी, ये अपनी वैल्यू आती है ग्राम में। ओके, बट हमें पता है कि हमें एम के एस में लेके चलना है देन के जी में लेके चलना पड़ेगा, इट मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे देन यहाँ पर ये एन ए होता है आपका 6 × 10^23, बट इसको अगर 1000 से डिवाइड करें देन 26 हो जाता है यहाँ पर। सो ये हमारा के जी में वैल्यू आ जाता है। ओके, सो दोनों के लिए एम हमें पता है, आर नोट हमें पता है 6.4 × 10^6,
जी हमें पता है फॉर कन्वीनियंस जी इज इक्वल टू 10 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम हमें डिफरेंट डिफरेंट दोनों के लिए पता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है एम की, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जस्ट डायरेक्टली वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। ओके सो हमारे पास जो वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए मिलने वाली है 10.1 इंटू 10^3 केल्विन। ओके सो यहाँ पर ऑर्डर आप चेक कीजिए, 10^3 का ऑर्डर है, इट मीन्स लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है। उसी लिए उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए 161.6 इंटू 10^3 केल्विन। ऑक्सीजन के लिए जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके बिकॉज इसका जो वेट है वो ज़्यादा है और आपका एस्केप वेलोसिटी एक तरीके से ऑक्यूपाई करने में इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसका मास ज़्यादा है। जैसे आप चेक कर सकते हो कि हमें तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ओके सो यहाँ से 1/mv² होता है, मास इसका ज़्यादा है। ओके और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो आपका एस्केप वेलोसिटी एक तरीके से कांस्टेंट ही है। सो काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका इक्वल होता है 3/2 kBT। ओके सो यहाँ से हम कह सकते हैं टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के लिए। ओके सो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यू। ओके अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है किस कंडीशन के लिए। नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है जिसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके उसका जो वैल्यू है वो V1 वेलोसिटी पर और V2 वेलोसिटी पर अगर इक्वल हो जाता है। ओके इट मींस दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल हो जाती है जबकि वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, ये कब हो सकता है, ये इसके लिए हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके और हमें V1 और V2 की वैल्यू भी दी हुई है और हमें दिया हुआ है कि जो मोलर जो वेट है नाइट्रोजन का वो 28 ग्राम होता है। ओके और हमें पता है कि यहाँ से हम क्या हैं कि स्मॉल m जो एक तरीके से मॉलिक्यूल का वेट है वो कितना आ जाएगा, 28/NA, ये आपकी ग्राम में वैल्यू आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले टेम्परेचर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं कैसे आता है। हमें पता है कि जो आपका फंक्शन है FV वो इस किसके इक्वल होता है, FV इज इक्वल टू 4π। ओके a क्यूब मीन्स m/2πkBT^3/2, v² exponential -bv² इट मीन्स -mv²/2kBT, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हमें क्या करना है, दो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के लिए इसको इक्वल करना है। सो हमें करना क्या है कि FV1 = FV2। अब आप नॉर्मली चेक करो, गैस सेम है इट मीन्स मास दोनों केसेस में एक्सप्रेशन में सेम होगा और सारी क्वांटिटी कैंसिल है, इट मीन्स इस क्वांटिटी को मैं लेफ्ट राइट दोनों साइड में कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा कौन सा, यही बचेगा बिकॉज यहाँ पर वी मेरा V1 और V2 होगा दोनों साइड में, इसी तरीके से यहाँ पर भी VR है। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि V1² exponential -mv² / 2kBT इज इक्वल टू V2² exponential -mv² / 2kBT, यही तो होगा। अब हम क्या करते हैं, V1² को V2² के डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, V1² सो यहाँ पर हम इसका टोटल स्क्वायर भी अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें देन ये एक्सप्रेशन आपका एज इट इज आ जाता है। ओके इसको हम प्लस में लिखें, कैसे लिखते हैं देखो, एक्सपोनेंशियल का लॉग लिया देन वैल्यू कितनी आएगी, -mv² / 2kBT ओके इज इक्वल टू, इधर नेचुरल लॉग लेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है पावर में 2 आगे आ जाता है, इट मीन्स 2ln। ओके यहाँ पर कितना आ जाएगा, V2 / V1 ओके और एक्सपोनेंशियल आपका कितना आ जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस
अब एक्सपोनेंशियल देखिए, अब बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में है, और हमें पता है कि लॉग में अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है हम उसको क्या समेशन में लिख सकते हैं, तो प्लस। और हमें पता है एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर क्या करते हैं, देन ये क्वांटिटी आ जाती है, इट मीन्स माइनस एम वी स्क्वायर। सो यहाँ से माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kBT। ओके, और यहाँ से देखिए इस टर्म को मैं यहाँ लेके चलता हूँ, ये मेरा वन है, वी वन है, ये मेरा वी टू है। यहाँ अपन सब्सक्रिप्ट भूल गए थे, 1 2 1 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वांटिटी को यहाँ लेके आते हैं, देन हम क्या देखते हैं कि m डिवाइडेड बाई 2kBT वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 2 ln वी वन डिवाइडेड बाई वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ से क्या हम t को सेपरेट कर सकते हैं, करके देखते हैं सेपरेट। सो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, t को यहाँ लेके जाते हैं इस टर्म को इसके नीचे, इट मीन्स m वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया, इट मीन्स 4 kB ln वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। सो अब हमें पता है कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में सारी क्वांटिटीज हमें दी गई है। स्मॉल m का वैल्यू कितना हो गया, 28 डिवाइडेड बाई na, बट ये ग्राम में है, इट मीन्स इसको कैसे करेंगे, 28 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई na, और na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10^23। इट मीन्स यहाँ से अगर पावर कैंसिल करता हूँ यहाँ पर 26 आ जाता है। सो स्मॉल m का वैल्यू हमें मिल जाता है। v2 square देखिए कितना हो जाता है, इसका v2 square करूँगा देन 36 माइनस v1 square कितना आ जाता है, 3 3 9, और इधर 10^4 बाहर मल्टीप्लाई में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में है। ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, v2 - v1 square का वैल्यू ये है। 4 कॉन्स्टेंट है, kb का वैल्यू हमें पता है, kb इज इक्वल टू क्या होता है, kb इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10^-23 ओके जूल पर केल्विन, ये वैल्यू होता है, वैल्यू पुट कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए v2 डिवाइडेड बाय v1 कितना हो जाता है, 600 डिवाइडेड बाय 300 2 आता है, तो यहाँ से ln ये अपना ln 2 के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, सो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके आप टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए मैं डायरेक्ट टेम्परेचर का वैल्यू लिख देता हूँ, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, T इज इक्वल टू 328 केल्विन इस प्रॉब्लम का आंसर आता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमारा ये सिंपल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। ओके,